देश में मुसलमानों के हालात को लेकर कल मुंब्रा के मुंब्रा देवी मंदिर रोड पर एक मस्जिद में जमीयत उलमा हिंद के तमाम उलमा इकराम ने एक मीटिंग ली थी। मीटिंग का मकसद था कि देश भर में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात चल रही है, इस तमाम मसलों को लेकर आने वाले दिनों में जमीयत उलमा हिंद के तरफ से मुंब्रा के MM वाली रोड या फिर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। ये फैसला जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और मुंब्रा सदर मौलाना वहाब कासमी की मौजूदगी में मीटिंग के दौरान लिया गया है। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी और मुंब्रा सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज की ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं उन हालात में बहुत सारे मसाइल इस उम्मत को दरपेश हैं। ये उम्मत उन मसाइल से किस तरह निकले, जो हालात हैं उनसे ये उम्मत किस तरह निकले, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करने के लिए आज की ये मीटिंग मुनाकिद की गई थी। और उसमें ये तय पाया है कि जमीयत उलमा जो हमेशा इस मुल्क में मुसलमानों के लिए और पूरे मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों के लिए काम करती आई है, तो जमीयत उलमा इस सिलसिले में अपनी कोशिशों का आगाज़ इस शहर से करने जा रही है। तो हमारी ये कोशिशें कैसे शुरू हों, कैसे कामयाब हों, उसी की तरतीब बनाने के लिए आज की ये मीटिंग बना। और साहब, इस सिलसिले में कुछ कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पर बातचीत हुई है, तो कुछ समय उसका तय किया गया है, और किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा और कहाँ पर होगा, कितने तारीख तक? अल्हम्दुलिल्लाह, आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमारे आमिला की एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये बात रखी गई थी कि हालात जो मुल्क के चल रहे हैं, ऐसे हालात में हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासकर नौजवान और तमाम उम्मत मुस्लिमा जो भी है, उनके ज़हन में एक तशवीश थी कि हमारे उलमा या हमारे लीडरान सामने नहीं आ रहे हैं, हम करें क्या करें। तो इस हिसाब से हमारी जमीयत ने ये तय किया था कि हम अब इंशाअल्लाह छोटी छोटी और एक बड़ा जलसा करेंगे और ये मुंब्रा से शुरू करेंगे और अच्छे आलिम को और अपने अच्छे रहबर को बुला करके लोगों को एक पैगाम देंगे कि देखिए हालात जो भी आते हैं और मुसलमानों को उससे परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इंशाअल्लाह सारे हालात ठीक होंगे। इसी हिसाब से ये प्रोग्राम एक तय किया गया है, ये अगले महीने के आखिर में या तो उससे अगले महीने के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह किया जाएगा, और सारी चीज़ें मंजूर कर ली गई हैं, सबसे मशवरा हो गया है, इंशाअल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम आप मुंब्रा शहर में किया जाएगा। मुसलमानों के ताल्लुक से क्या क्या आपने पॉइंट ऐसा है नोट किया है कि जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उनको भी लेकर जमीयतुल उलमा का क्या कदम है और किस तरह का ये प्रोग्राम रहेगा, क्या जानकारियां दी जाएंगी? असल में जब से ये फिरका परस्त हुकूमतें आती हैं, जब तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का माहौल ख़राब होता है। कभी एक कोई मसला ले लेते हैं और इतना बवाल करते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि मुसलमान के दिल के अंदर एक दहशत पैदा होने लगती है। मिसाल के तौर पर थोड़े दिन पहले मुसलमान इतने, जब से यहाँ हैं तब से मुस्लिम बच्चियाँ पर्दे के साथ स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, कोई नहीं जाती हैं, एकदम अच्छा माहौल चल रहा था। अब ये फिरका परस्त लोग आए और एक बैग इन लोगों ने कहा कि हिजाब जो है मुसलमान नहीं पहन सकते, जिससे थोड़ा सा डर महसूस होती है, और गवर्नमेंट उनका साथ देती है। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं हुकूमत की, वो कह दें कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये बात ही नहीं होती है, सिर्फ डरा करके सियासत हो रही है। तो हम लोग के अंदर तो डर नहीं है, फिर भी मुसलमान जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो सोचती हैं कि आखिर ये सब क्या हो। उसी सिलसिले में थोड़ा उनके इस
खौफ को ख़त्म करने के लिए अब हमारे उलमा आगे आ रहे हैं। माशाल्लाह, शुरू से जब से यूनिट बनी है हर महीने तकरीबन हर मस्जिद में एक इस्लाह माशरा या इसी माशरे को सुधार करने के लिए मुसलमान अंदर मायूसी दूर करने के लिए हर महीने एक इजलास हो रहा है, उसी की एक बड़ी कड़ी इंशाल्लाह ये मित्तल में या जहाँ भी मशवरे तय होगा एक इजलास होगा और उसमें इंशाल्लाह हमारे जमीयत उलमा के जिम्मेदार दिल्ली से आएंगे और एक अहम पैगाम इंशाल्लाह उम्मत को दिया जाएगा।